हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। किसके बारे में? एमॉर्फस सॉलिड। तो ये चल रहा है क्लास 12th यूनिट 1 लेक्चर नंबर 03। ठीक है, तो ये है आपका लेक्चर नंबर 03। तो देखिए कैसे आप लोग, तो आप लोग ध्यान देके क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और जो भी लेक्चर होते हैं उसको लिखने की कोशिश करें, अपने नोटबुक में नोट करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एमॉर्फस सॉलिड। आखिर ये एमॉर्फस सॉलिड होता क्या है? तो एमॉर्फस सॉलिड जो है इसका बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आप देख रहे हैं ये पॉलीमर है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ये एमॉर्फस सॉलिड है। ये क्या है आपका? एमॉर्फस सॉलिड है। ये देख रहे हैं आप, ये डब्बा है ना स्प्रे करने वाला, ये भी क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। ये क्या है आपका? एमॉर्फस सॉलिड है। उसके बाद फिर आप देख लें ये कांच है, ये क्या है आपका? कांच। ये कांच भी क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। ये क्या है आपका? एमॉर्फस सॉलिड है। तो एमॉर्फस सॉलिड हमारे मतलब जो है चारों तरफ भरे पड़े हैं, दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं ये जो बना हुआ है ये भी आपका एमॉर्फस सॉलिड है। ये क्या है आपका? एमॉर्फस सॉलिड है। तो ढेर सारे एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड का। तो जितने भी प्रकार के प्लास्टिक्स हैं, जितने भी प्रकार के क्या है, प्लास्टिक है, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर आएगा। रबर्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं, रबर भी क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। रबर भी क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। और इसके अलावा आपका जितने भी ग्लास है, ग्लास मतलब कांच है ना, कांच के जितने भी बने हुए वस्तु हैं सबका सब क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। तो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। उसके बाद आपका जो सिलिकन है, सिलिकन, सिलिकन भी क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। फिर एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास भी क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। तो एमॉर्फस सॉलिड हमारे चारों तरफ भरे पड़े हैं और दैनिक जीवन में इसका हम अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमॉर्फस सॉलिड, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होता है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ये इरेगुलर होता है। क्या होता है? तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जैसे एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है, इसको अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इसका, ये इसका जो अरेंजमेंट होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? इरेगुलर होता है। क्या होता है? इरेगुलर। समझ में आ रहा है? तो एमॉर्फस सॉलिड है, तो एमॉर्फस सॉलिड भी किसे बना रहता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। इसका मतलब अक्रिस्टलीय ठोस है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे ये बना होगा, और इसका जो अरेंजमेंट होता है इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित है ना। तो आप लोग जो है मन से पढ़ने की कोशिश करेंगे ध्यान देके, है ना, और कमेंट जरूर करें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना, कमेंट करना ना भूलें। तो समझ में आ गया, ये एमॉर्फस सॉलिड है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। किसका? एमॉर्फस सॉलिड का। इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है इरेगुलर होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे जा रहा है, जाने के बाद कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा ऐसे। अब समझिए इसका कोई स्ट्रक्चर पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो ये क्या है आपका? एमॉर्फस सॉलिड है। तो एमॉर्फस आप किस लाइन सॉलिड में देखे थे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब रेगुलर वे में, कहने का मतलब इसका जो व्यवस्था है आदर्श होता है। क्या होता है? ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन आप देख सकते हैं इस फिगर को देखिए, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो क्या है? इरेगुलर है। वो क्या है आपका? इरेगुलर है। इरेगुलर होने के कारण इसका जो क्लीवेज प्रॉपर्टी है वो आपका इरेगुलर हो जाता है, उसका न्यू सरफेस हो जाता है। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। उसके बाद इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी डिफिनेट नहीं होता है। इसका शेप इरेगुलर होता है। इसका शेप क्या होता है?
इरेगुलर होता है। आप समझिए, यहाँ पे देखिए, यदि हम इसका शेप बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? आप बोल सकते हैं इसका शेप मतलब निश्चित है या अमीबा टाइप का लग रहा है? समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या, ये इसका शेप कोई डेफिनेट शेप है नहीं है, इरेगुलर है, क्या है? लेकिन इसका शेप के बारे में बात करें किस लाइन, तो ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं आप? नहीं, ये रेगुलर है, ये क्या आपका रेगुलर है। तो आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अमॉर्फस सॉलिड का जो शेप होता है इरेगुलर होता है। क्या होता है आपका? इरेगुलर होता है। क्यों होता है? यदि कोई पूछेगा कि अमॉर्फस सॉलिड का जो शेप है वो इरेगुलर है, इसका कारण क्या है? इसका कारण आप सब साफ समझ में आ रहा होगा कि मतलब इसका जो अवयवी कण है, इसका जो अवयवी कण है जिसको हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, ये क्या होता है? इरेगुलर वे में होता है, इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब अनियमित होता है, ये अनिश्चित होता है, इसका अरेंजमेंट आइडियल नहीं होता है, इसीलिए इसका शेप भी आइडियल नहीं होगा। इसका शेप भी क्या होगा? आइडियल नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अमॉर्फस सॉलिड। तो एक एक बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो एग्जांपल बता दिए, दिमाग में बैठा लें, प्लास्टिक, जितने भी तरह का प्लास्टिक है सब क्या है? अमॉर्फस है। जितने भी टाइप्स का रबर है सब क्या है आपका? अमॉर्फस है। तो रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास, कांच जिसको बोलते हैं, कांच भी क्या है आपका? अमॉर्फस है। कांच भी क्या है आपका? अमॉर्फस है। सिलिकन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल बनाते हैं, जिसको सोलर प्लेट बोलते हैं। तो सोलर प्लेट में जो लगा रहता है वो क्या होता है? सिलिकन होता है। वो क्या होता है? सिलिकन होता है। तो कितना उपयोगी है? तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज है उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है ना। यहाँ पे अमॉर्फस का भी बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं हम लोग डेली लाइफ में, उसके बाद क्रिस्टलाइन तो है ही, है ना। तो नकारा किसी को नहीं जा सकता है। दुनिया में जो भी चीज है हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अमॉर्फस सॉलिड के बारे में, ठीक है? कॉपी कलम लेके जल्दी से सब लोग क्या करें? बैठ जाए, हम लोग जल्दी से शुरू करने वाले हैं। चलिए बच्चे, हेडिंग लगाते हैं हम लोग अमॉर्फस सॉलिड। क्या लगाते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग, क्या चीज? अमॉर्फस। सबको दिख रहा है ना? अमॉर्फस सॉलिड। कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो अमॉर्फस सॉलिड, इसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय। अमॉर्फस सॉलिड का मतलब था अक्रिस्टलीय ठोस। इसको कभी कभी हम लोग बेरबदार ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरबदार ठोस। अमॉर्फस सॉलिड में क्या देखें कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ठीक है? तो चलिए एक एक चीज समझते हैं इसका। तो सबसे पहले इसका हम लोग शेप के बारे में देखें तो क्या होता है? अमॉर्फस सॉलिड का शेप जो होता है इरेगुलर होता है। क्या होता है? इरेगुलर होता है। द शेप लिखेंगे, द शेप ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स, सॉलिड, द शेप ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इज इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब अनियमित होता है, यानी कि अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। लिखते चले, समझ में आ रहा है ना? अक्रिस्टलीय ठोसों के आकार अनियमित होते हैं, अनियमित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसका शेप जो है इरेगुलर होता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे क्या होता है? इरेगुलर। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो अमॉर्फस सॉलिड होंगे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इनडिफिनिट होता है, यानी कि शार्प नहीं होता है। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
इनके गलनांक जो है निश्चित नहीं होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका मान लीजिए कोई प्लास्टिक है, ये क्या है, कोई प्लास्टिक है, इसको कोई भी टेम्परेचर में जो है ये क्या होगा, सबसे पहले सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट हो जाएगा, कोई भी टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टलाइन के साथ ऐसा नहीं है, वो तब तक सॉफ्ट नहीं होगा जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट पिघल जाता है, वो सॉफ्ट होने की कोई बात ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो प्लास्टिक वगैरह होता है उसको जब आप कोई भी टेम्परेचर पे ले जाइए तो वो क्या करेगा, पहले सिकुड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, तो कोई भी टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं एमरफस सॉलिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट ये डिफिनिट नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। तो आप बोल सकते हैं दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव डिफिनिट या शार्प, डिफिनिट बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, डिफिनिट बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, शार्प। तो आप लोग ध्यानपूर्वक लिखते चले, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्या लिखे, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। तो इनके गलनांक, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट याद हो गया। अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ बातें यहां पे ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। या फिर डिफरेंस पूछेगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन, आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पे यदि आप बोला जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एमरफस सॉलिड, तो आसानी से आप लिख सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। अगला क्या देखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो शार्प नहीं होता है, इसका शेप भी इरेगुलर होता है। और आगे देखते हैं, इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है, जिससे क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग देखे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, डिफिनिट था, क्या था, डिफिनिट। इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है, शार्प नहीं होता है, डिफिनिट नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे एक बार और, दे डू नॉट हैव डिफिनिट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या बोल सकते हैं, इनके जो है, इनके हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है गलन उष्मा, याद रखेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, गलन उष्मा, मतलब गलने वाला उष्मा। तो इनके गलन उष्मा निश्चित नहीं होते हैं, एक बात और क्या लिख सकते हैं, इनके कुछ निश्चित नहीं होता बेचारा का, इनके गलन उष्मा निश्चित नहीं होते, इनके गलन उष्मा क्या होता है, निश्चित नहीं होता, कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे क्या है, काम के हैं। जैसे बहुत व्यक्ति जो होते हैं उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, काम में आ जाते हैं। तो देखिए, अब ध्यान देंगे कि इसका देखें, हम लोग बहुत सारे जो देखे इसमें डिमेरिट्स हैं, पहले तो इस बेचारा का शेप निश्चित नहीं है, है ना। दूसरा देखें कि इसको, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, निश्चित नहीं है। आगे हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात किए, गलन उष्मा, तो गलन उष्मा भी क्या होता है, निश्चित नहीं है भाई, किसी भी टेम्परेचर पर गलने शुरू हो जाता है, किसी भी टेम्परेचर पर क्या होगा, ये पिघलना सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित नहीं होता। अब आयरन को लीजिए, किसी भी टाप पे आप चढ़ा दीजिए चूल्हा वगैरह, फिर क्या, मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं ना। लेकिन कोई भी प्लास्टिक ले जाइए, कोई भी मोमबत्ती का टेम्परेचर हो, लकड़ी जल रहा है वहां ले जाइए, कोयला जल रहा है वहां ले जाइए, या फिर अत्यधिक गर्मी है धूप में रख दीजिए, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, सॉफ्ट। तो क्या लोहा को आप धूप में रख देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए इसका गलन उष्मा क्या होता है, निश्चित नहीं होता। ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको फटाफट क्या करें, नोट करें, आगे बताते हैं। तो कितने पॉइंट्स हुए आपके, 1, 2, 3 पॉइंट्स हुए, दे डू नॉट हैव डेफिनेट मतलब हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, याद हो गया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका।
चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो कुछ पॉइंट हम लोग पढ़े थे, हम इसको दो भाग में डिवाइड करते ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे समझने कोशिश करें कि हम लोग देखे अभी थ्री पॉइंट देखे, इरेगुलर शेप देखे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प नहीं होता है, शार्प मतलब निश्चित नहीं होता है। और फिर क्या देखे थे हम लोग, देखे हीट ऑफ फ्यूजन भी डिफिनिट नहीं होता है, मतलब कुछ डिफिनिट है ही नहीं, है ना, लूजर है पूरा, लेकिन फिर भी क्या है, उपयोगी हमारे लिए। समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं जी, ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, बॉर्डर को हटाने दीजिए पहले, बॉर्डर पसंद नहीं है। चलिए देखिए, तो देखिए बच्चे अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो बताने वाले हैं इसके अंदर, तो वो ध्यान से देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है जो अमॉर्फस सॉलिड होता है ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। यानी कि आप बोल सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो आप समझिए इसका मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि आइसोट्रॉपिक नेचर का कौन होता है, तो याद रखेंगे अमॉर्फस सॉलिड। तो अक्रिस्टलीय ठोस प्रकृति में, क्या होता है, समदैशिक, समदैशिक होता है। प्रकृति में क्या होता है, समदैशिक। समदैशिक मतलब ऐसे समझिए, कोई भीड़ है, यदि कोई भीड़ है, कोई क्या है आपका, इस तरह का कोई भीड़ है, तो इसको कोई भी डायरेक्शन से देखेंगे तो क्या हो, एक ही जैसा दिखेगा भीड़ को। कोई मेला को देखिएगा तो उसको कोई भी डायरेक्शन से देखिएगा तो वो एक जैसा दिखेगा, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होने के कारण आप देख सकते हैं कोई भी भीड़ है तो भीड़ को आप जिधर से भी देखिए एक ही जैसा दिखेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि इनके अवयवी कण जो होते हैं, इसका जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, वो सही नहीं होता है, जिसलिए जिस डायरेक्शन से भी देखेंगे एक जैसा दिखता है, एक जैसा। मेला को जैसे देखते हैं, कोई भी डायरेक्शन देखिएगा तो वो कैसा दिखेगा, एक ही जैसा दिखता है। तो वो कहने का मतलब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समदैशिक। अरे सम का मतलब एक समान, दैशिक मतलब देखना, दिखाई देना। समझ में आ रहा है, सम का मतलब एक समान होता है, सम का मतलब एक समान होता है, और दैशिक मतलब दिखाई देना, मतलब कोई भी डायरेक्शन से उसको देखेंगे तो वो एक ही जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समदैशिक प्राकृतिक। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि आपसे पूछा जाएगा कौन सा ठोस जो है समदैशिक प्राकृतिक के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जो अमॉर्फस सॉलिड होता है वो समदैशिक प्राकृतिक के होते हैं। कोई बोलेगा क्यों, क्योंकि किसी भी दिशा से देखने पर वो एक ही जैसा दिखता है। आगे समझ में। तो ये था आपका समदैशिक प्रॉपर्टी के बारे में, समदैशिक होता है। अब यह ये जो है इसका ऑर्डर के बारे में देखा जाए, तो क्या देखना है ऑर्डर भाई, इसको हम काटेंगे, कोई अमॉर्फस सॉलिड है, ये मान लिया कोई अमॉर्फस सॉलिड है, इसको काटेंगे तो जब हम लोग काट रहे थे किस लाइन को, तो वो सीधा कट रहा था, वो क्या हो रहा था, लेकिन इसको जब हम तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो इस तरह से कटेगा। समझ में आ रहा है, ये सीधा लाइन है क्या। कुछ देर के बाद, कुछ दूर के बाद इसका डायरेक्शन बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं होता है, इसलिए कुछ ही दूरी जाने के बाद डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है, दिशा भटक जाता है। जैसे मान लिया जाए एक स्लाइन सॉलिड, ए अमॉर्फस सॉलिड है, अब देखिए इसको हम काटने कोशिश करेंगे तो ये कुछ दूर तक सीधा जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर कुछ दूर सीधा जाएगा। अब समझ आ रहा है, तो कुछ ही दूर तक ये क्या होगा, सीधा जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए देखिए कि आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास पीवीसी है, पीवीसी पाइप है, ये अमॉर्फस सॉलिड है, सबको पता है, इससे किसी को पीटना नहीं चाहिए, खतरनाक चीज है ये, है ना, ये पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और देखना है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो आप देख सकते हैं ये वाला देख रहे हैं,
जो कवर किया गया है ये भी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो तार देख रहे हैं ये भी क्या है, पीवीसी। ये भी क्या है आपका, पीवीसी। समझ में आ रहा है? तो पीवीसी का बहुत, तो ये पॉलीविनाइल, तो कोई भी व्यक्ति इसको काटा होगा तो इसको देखिएगा, गोल काटने कोशिश किया होगा, पूरा सीधा काटने कोशिश, लेकिन फिर भी क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। क्या हो गया, टेढ़ा। और आप तो अभी बगल में नहीं, तो छू के यदि देखेंगे इसको, इसको क्या करेंगे, टच करके देखेंगे तो ये रुखड़ा रुखड़ा लगेगा। क्या लगेगा, रुखड़ा। ये क्या लगेगा, रुखड़ा। सपाट और चिकना नहीं होगा। जैसे क्रिस्टलाइन सोलिड को काटेंगे तो वो भी दो टुकड़ा में कट जाएगा, लेकिन उस नया सतह जो है, ये इसको मान लें नया सतह है, इसको छूने के बाद क्या अलग कैसा लगता है, चिकना और सपाट, तो क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन। लेकिन इसको छू के देख रहे हैं तो रुखड़ा लग रहा है। रुखड़ा मतलब समझ में आ रहा है, जैसे ठंडा में मुंह फट जाता है, छू के देखिए कैसा लगेगा, रुखड़ा। वैसे क्या लग रहा है, यहाँ पे रुखड़ा लग रहा है। तो ये आपका मान लिया जाए आपका क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। ये क्या है आपका, एमॉर्फस सॉलिड है। तो इसको जब काटेंगे हम लोग तो सीधा नहीं कटेगा, अपने आप क्या हो जाएगा, कितना भी सीधा काटने की कोशिश करें वो सीधा कटेगा नहीं, टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो आप बोल सकते हैं इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड का जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन का क्या होता है, वो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो बोल सकते हैं इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि यह लघु परासी होता है, यह लघु परासी होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु परासी। तो याद रखेंगे बच्चे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सबको समझ में आ गया कि इसको काटेंगे तो भाई बहुत दूर तक सीधा नहीं जाएगा, ये डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो ये टोटल 5 पॉइंट शायद हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, इसको अभी बोले काट के देखेंगे। क्या काट के देखेंगे, इसको जो है हम लोग काट के देखेंगे। तो जब काटेंगे, जैसे एमॉर्फस सॉलिड इसको काटेंगे तो दो टुकड़ा में बट जाएगा, लेकिन जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होगा वो क्या होता है, इरेगुलर होगा। वो क्या होगा, इरेगुलर। इरेगुलर कहने का मतलब ये जो है आप बोल सकते हैं कि चिकना और सपाट नहीं होगा, चिकना और सपाट नहीं होगा। तो लिखेंगे व्हेन व्हेन एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड सॉलिड्स कट विथ ए शार्प एज टूल्स दे स्प्लिट इंटू टू पीसेस विथ इरेगुलर सरफेसेस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एमॉर्फस सॉलिड कट विथ ए शार्प एज टूल्स देन दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस विथ इरेगुलर सरफेसेस, विथ इरेगुलर सरफेसेस। तो विथ इरेगुलर सरफेसेस का मतलब होता है कि ये जो है आपका दो टुकड़ा में तो बढ़ जाता है, लेकिन इसका सतह जो है इरेगुलर होगा, अनियमित। क्या होता है, अनियमित। तो आप बोल सकते हैं कि जब अक्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले औजार से काटे जाते हैं तब यह दो अनियमित सतहों
वाले टुकड़े में बट जाते हैं। टुकड़े में क्या होता है? टुकड़े में बट जाते हैं। लिखा गया सबका? तो समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखे। देखिए यहां पे, देखिए तो ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब अकृष्ट, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज का मतलब विदलन गुण पूछेगा कि अमरफस सॉलिड का विदलन गुण क्या है, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है। तो आप सीधा बोलेंगे कि जब इसको हम लोग काटेंगे तेज धार वाले औजार से, क्या करेंगे इसको काटेंगे, तो ये कितने टुकड़ों में बटेगा? दो टुकड़ों में बटेगा। क्या कितने टुकड़ों में बटेगा? दो टुकड़े में बट जाएगा। और दो टुकड़े में तो बट जाएगा, लेकिन इसका जो सतह होगा, जो नई जनित सतह होंगे, जैसे इसको हम काटें, इसको काटे तो मान लीजिए दो टुकड़ों में बट गया, तो इसका जो सतह है वो दो अनियमित सतहों वालों टुकड़ों में बट जाएगा। मतलब इसका जो सतह होगा रुखड़ा होगा। कैसा होगा? रुखड़ा, चिकना और सपाट नहीं होता। आप सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब अक्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले औजार से काटे जाते हैं तब यह दो टुकड़ों में बट जाते हैं, परंतु इनके जो सतह है, नई जनित सतह है, जो न्यूली जनरेटेड सर्फेसेस जो है, वो चिकना और सपाट नहीं होता है। चिकना और सपाट किसका होता है? क्रिस्टलीय ठोसों का होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का होता है। वही लिखा हुआ देखिए, जब अक्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले औजार से काटे जाते हैं तब यह दो अनियमित सतहों वाले टुकड़ों में बट जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बताते हैं। चलिए एक पॉइंट और इसमें है, एक पॉइंट और क्या है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब क्या होता है? झूठा। जैसे होता है ना, कोई झूठ ज्यादा बोलता है, क्या बोलते हैं? तू तो झूठा है। क्या बोलते हैं? तू तो झूठा है। तो अमरफस सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज, अमरफस सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड, या फिर आप बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोला जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। और सुपर कूल्ड लिक्विड का जो उदाहरण एग्जांपल है, ये भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो है ग्लास। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। कभी कभी टू मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाई आर द ग्लास कंसीडर एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है? सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड। तो सुपर कूल्ड का मतलब होता है अति शीतित, अति शीतित। अरे बुझा रहा है, चलिए देखिए नेक्स्ट। तो अभी आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि अमरफस, अमरफस सॉलिड्स आर आल्सो नॉन एज, नॉन एज व्हाट? नॉन एज सूडो सॉलिड। सूडो फोर्स होता है उसी तरह सूडो सॉलिड। तो याद रखेंगे सूडो सॉलिड किसको कहा जाता है? अमरफस सॉलिड को, या इसी को दूसरा नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर सुपर कूल्ड लिक्विड। समझ में आ रहा है? तो अब याद रखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों को, अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस, आभासी ठोस, आभासी ठोस अथवा अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं? आभासी ठोस बोलते हैं, या फिर अति शीतित द्रव बोलते हैं। आभासी ठोस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? अति शीतित द्रव भी कहा जाता है, अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। अब अति शीतित द्रव, यहां पे याद रखिएगा, इसका जो उदाहरण है ग्लास, ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। तो नोट में कुछ बातें याद, मतलब लिखवाएंगे। अब अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है, इसका भी क्वेश्चन करवाएंगे आपसे। ठीक है, अति शीतित कहने का कारण क्या है, यह भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल किसका, किसका एग्जाम्पल एमरफस सॉलिड का, किसका एमरफस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोसों का जो है उदाहरण हम लोग देखेंगे, तो उदाहरण इसमें याद रखिएगा ग्लास या फिर बोल सकते हैं प्लास्टिक, जितने भी तरह का प्लास्टिक्स है याद रखिएगा प्लास्टिक्स। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो गया, रबर, जितने भी प्रकार के रबर्स हैं, रबर्स हो गया, ग्लास हो गया, क्या हो गया ग्लास, फिर एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ग्लास याद रखिएगा, सिर्फ क्वार्ट्ज रहेगा तो वो है आपका, सिर्फ क्वार्ट्ज रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास है तो ये क्या हो जाएगा एमरफस सॉलिड, क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, ठीक है। फिर आप ले सकते हैं आयन सिलिकन, और क्या बोल सकते हैं आप सिलिकन एंड एंड सिलिकन सिलिकन, और बहुत सारे हैं लेकिन इतना मैं मुख्य रूप से याद रखेगा प्लास्टिक, रबर्स, ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास और सिलिकन। याद रखिए ग्लास को हम लोग जो ग्लास है याद रखेंगे नॉट में लिख लेंगे, नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है ध्यान दें, तो ग्लास जो है ग्लास को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, क्या बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो याद रखिएगा सुपर कूल्ड लिक्विड किसको कहा जाता है ग्लास को। अब क्यों कहा जाता है इसका एक क्वेश्चन करवाएंगे कि व्हाई आर द ग्लास कंसीडर एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, 2 मार्क्स कभी कभी पूछता है, अतिशीतित द्रव, क्या बोलते हैं अतिशीतित द्रव, ठीक है, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। उसके बाद जो सिलिकन है, सिलिकन इसको याद रखेंगे, सिलिकन को कहा जाता है फोटोवोल्टाइक सेल, याद रखिएगा फोटोवोल्टाइक सेल, व्हाट इज फोटोवोल्टाइक सेल, द सेल विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को किसमें बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल को हम लोग बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। तो फोटो, ये सिलिकन बहुत ही खतरनाक चीज है, ये टेट्रावेलेंट होता है, और ये जो है इसका उपयोग जैसे आप मेमोरी कार्ड बनाते हैं उसमें यूज होता है, और जितने भी आप सोलर प्लेट है वो सिलिकन से बनता है। तो सिलिकॉन, तो सिलिकन को हम लोग बोलते हैं फोटो, फोटो वोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल। अब फोटोवोल्टाइक सेल का मतलब होता है, मतलब ये क्या करता है, इसका काम है कि लाइट एनर्जी को किसमें बदल देता है, लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो ये इसका काम है लाइट एनर्जी, एनर्जी को किसमें बदल देगा, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू। तो देखिए फोटोवोल्टाइक सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसका काम क्या है, जैसे आपका सिलिकन, सिलिकन को फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट एनर्जी को, प्रकाश ऊर्जा को, जिनको हिंदी चाहिए हिंदी में क्या होगा इसका, इसका जो हिंदी है वो क्या होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है बदलता। तो याद रखेंगे लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। यदि आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फोटोवोल्टाइक सेल, तब बोलिएगा द डिवाइस और सेल विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाय से सेल जो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है विद्युत ऊर्जा में, उसको क्या बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल का उदाहरण क्या है सिलिकन, क्या है आपका सिलिकन। यदि आपको कोई पूछेगा सुपर कूल्ड लिक्विड किसको कहा जाता है, सुपर कूल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलिएगा ग्लास को, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताएंगे, क्योंकि ये सॉलिड होते हुए भी सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं करता है, पालन
नहीं करता है, यानी कि कांच को यदि आप किसी खिड़की या दरवाजा में लगा देंगे, 10-20 साल के बाद उसका मोटाई यदि चेक करेंगे तो नीचे का भाग का मोटाई थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर का क्या हो जाएगा, मोटाई कम हो जाएगा। निचला भाग का मोटाई ज़्यादा, ऊपर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह लिक्विड फ्लो करता है यानी कि द्रव बहता है, उसी तरह कांच भी बह रहा होगा, तब ना ये खेल हो रहा है। तो बह के क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है, निचला भाग क्या हो जाता है मोटा, ऊपरी भाग क्या हो जाता है थोड़ा पतला हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको एक उदाहरण से बताते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए ये कांच है, ये क्या है आपका, ये अंदर जो लगा हुआ है ये क्या कांच है, ये क्या आपका कांच है। तो इसको खिड़की या दरवाजा में इस तरह से लगाते हैं हम लोग, तो खिड़की दरवाजा में जब लगाएंगे तो ये जो कांच का, जो कांच अंदर जो फिट है, तो इसका मोटाई 10-20 साल के बाद यदि देखा जाएगा, इसका मोटाई कितना साल के बाद, 10-20 साल के बाद देखा जाएगा, तो ये हुआ टॉप, ये क्या हुआ, ये जो ऊपर कांच का क्या हुआ, टॉप पोर्शन हुआ, और इसको क्या बोलेंगे, बॉटम पोर्शन बोलेंगे, इसको टॉप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बॉटम। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ऊपर का जो थिकनेस है, ऊपर का जो कांच का मोटाई है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और निचला भाग का कांच का जो मोटाई है थोड़ा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांच का जो कण है वो नीचे बहकर, नीचे बहकर मतलब ऊपर से किधर आ गया, नीचे बहकर नीचे आ गया, बहकर किधर आ गया, नीचे, और नीचे बहकर आने के कारण निचला भाग क्या हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा क्या हो गया, मोटा, और ऊपरी भाग क्या हो गया, थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा क्या हो गया, ऊपरी भाग थोड़ा पतला, निचला थोड़ा मोटा। अब देखिए जिस तरह से लिक्विड फ्लो करता है उसी तरह से ये भी फ्लो कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलेंगे इसको, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से आज हम लोग देखें किसके बारे में, एमर्फस सॉलिड में पूरा डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस पूछे बोर्ड में, या फिर इसके रिलेटेड क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे ग्लास को क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, बताइए, तो क्या बोलिएगा आंसर, ग्लास। फोटोवोल्टाइक सेल किसको कहा जाता है, सिलिकॉन को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को किसमें बदल देता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। सबको समझ में आ रहा है, ठीक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, बताएं कि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप जवाब दें, है ना। तो ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, है ना। तो सॉलिड स्टेट पूरा पूरा 100% पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा आपका, कोई भी एग्जाम दे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोर्ड में तो ऐसे ही भी आप 70 में 70 ला सकते हैं यदि ठीक ठाक से मेहनत मेरे साथ करेंगे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भी टॉपिक नहीं छोड़े जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, हर चीज करवाया जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे का नजारा देखते चलिए, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।